नमस्कार, मैं सलामुद्दीन खान, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंबरा आरपीएफ ने मुंबरा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 से एक मोबाइल चोर को गिरफ्तार किया है। दरअसल लोकल ट्रेन में भीड़ का फायदा उठाकर चोर अक्सर चोरी की घटना को अंजाम दे देते हैं। घटना 9 जनवरी का है। हर रोज की तरह मुंबरा प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर लोग मुंबई की तरफ जाने के लिए खड़े थे। सुबह का वक्त था, इसलिए काफी भीड़ थी। ट्रेन में चढ़ने के दौरान एक व्यक्ति का मोबाइल चोरी हो गया, मगर उस व्यक्ति ने उस चोर को पकड़ लिया तो मोबाइल चोर उल्टा उसी व्यक्ति पर हमला कर दिया। ये चोर और फरियादी दोनों ही मुंबरा के रहने वाले हैं। जिसने मोबाइल की चोरी की उसका नाम शोएब अब्दुल अजीज शेख है, जो मुंबरा के शिवाजी नगर का रहने वाला है। तो वहीं फरियादी भी मुंबरा के अलमास कॉलोनी का रहने वाला है, जिसका नाम रेहान अब्दुल शेख है। हम आपको वीडियो दिखाते हैं कि किस तरह से मोबाइल चोरी के बाद मुंबरा के रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर मोबाइल चोरी करने वाले व्यक्ति ने फरियादी पर ही हमला कर दिया। आज सुबह हमारा दो स्टाफ हेड कांस्टेबल जयपाल यादव और कांस्टेबल वी के कटिहार, जिनकी ड्यूटी प्लेटफॉर्म बंदोबस्त और क्राइम प्रिवेंशन ड्यूटी के लिए लगी थी, तो सुबह तकरीबन 8:50 के आसपास एक अप स्लो लोकल प्लेटफॉर्म नंबर 2 मुंबरा पाई। चूँकि मॉर्निंग में पीक आवर ज़्यादा होता है, भीड़ रश ज़्यादा होता है, तो रश का फ़ायदा उठाकर एक पैसेंजर्स ट्रेन में चढ़ते समय उसके मोबाइल फ़ोन को स्नैच किया, निकाला इंटेंसली और निकाला। पैसेंजर्स को जैसे आभास हुआ तो उसके साथ उसने धक्का मुक्की किया और मौके का फ़ायदा उठाकर भागने लगा। तभी हमारा दोनों स्टाफ जो तैनात थे वहाँ पर, वो दौड़कर पैसेंजर्स की मदद से टैक्टफुली सराउंडिंग करके और अक्यूज को चेस किया, पकड़ा और अग्रिम कार्रवाई के लिए आरपीएफ थाना मुंबरा में लाया। का नाम शोएब अब्दुल अजीज शेख है, वो मुंबरा का रहने वाला है। फरियादी भी मुंबरा का ही रहने वाला है, रेहान रजा शेख, और वो सीएसटी जा रहा था। वो कारपेंटर्स है और सीएसटी जा रहा था अपने किसी काम के लिए। वो 392 IPC के तहत मामला दर्ज किया गया है। 392 हालांकि बड़ी ही मुस्तैदी के साथ ड्यूटी पर तैनात आरपीएफ के जवान कांस्टेबल जयपाल यादव, कांस्टेबल वीके कटियार ने उस मोबाइल चोर को दौड़ाकर पकड़ लिया। फिलहाल आरोपी जो है वो नाबालिग बताया जा रहा है, जिसके खिलाफ आरपीएफ ने आईपीसी की धारा 392 के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। तो देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।